श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्म करिंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं राम भक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरुं वाक काय मनसा प्रेमणा प्रणमामि पुनः पुनः। तान जानकी विरह वेदन हेतु भूतां द्रागा कलय्य सदशोकमनी वृक्षां लंकालुकानिवघनानुदपाटयदिस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। तम हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे राम शरचापधर। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याओं में द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन बच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरि भरि ही गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्व भांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रति आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री द्वादश भागवताचार्य की जय। श्री चतुः संप्रदायाचार्य की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि बाबा की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री स्थान पुरुष की जय। श्री नागा बाबा सरकार की जय। श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम।
राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीता राम श्री राम कृष्ण भगवान की घेर घार के साथ में कार्यक्रम बहुत बार कराए, समय बदलता रहता है, परिस्थिति बदलती रहती है, उसके अनुसार जन्माष्टमी कुछ दिनों तक श्री चित्रकूट धाम में मनी, अब इधर कई वर्षों से श्री जयपुर में हुआ करती है, फिर पटना के लिए पहले तो वर्ष में कई बार आना जाना हो जाया करता था, लेकिन अब समय लगभग अंतरप्रांतीय स्तर पर भक्त लोग दावा करने लगे हैं, इसलिए और स्थानों को समय वितरित करते हुए पटना के लिए यह समय स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इन दिनों में श्री जानकी नवमी, श्री जानकी जयंती के लिए श्री जनकपुर धाम जाने की बात प्रायः प्रतिवर्ष आती है, नियत रहती है कि प्रतिवर्ष श्री मिथिला अंबा की सेवा में कुछ समय लगा लिया करूं। तो श्री जानकी नवमी विशेष करके सुविधाजनक समय विभाजन की दृष्टि से, वैसे तो वैशाख महीना की गिनती बसंत ऋतु में है, चैत और वैशाख, जेठ और आषाढ़ ये दो ग्रीष्म के ऋतु हैं, गर्मी का प्रभाव पड़ने लग जाता है वैशाख में, तो मौसम की दृष्टि से तो नहीं, लेकिन समय विभाजन की दृष्टि से ये समय यहाँ के लिए स्वाभाविक सुलभ हो जाता है। पिछले वर्ष प्रस्ताव हुआ था कि उद्धव गोपी संवाद की चर्चा हो, श्री प्रभु कृपा से हुई भी। इस वर्ष के लिए विचार लोग करने लगे कि कौन सा प्रसंग रखा जाए, तो श्री प्रभु प्रेरणा से रामचरित में दो प्रसंग ध्यान में आए, या तो केवट जी वाला प्रसंग या श्री विभीषण शरणागति। विभीषण शरणागति की तरफ में ठाकुर जी की विशेष प्रेरणा और आप लोगों का झुकाव देखा गया। इस वर्ष के इस प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए प्रसंग मिला है श्री विभीषण शरणागति। श्री रामचरित्र में
विभीषण शरणागति का बहुत बड़ा महत्व है। श्री रामचरित्र दोनों भाग शरणागति का बहुत महत्व भक्तों ने आचार्यों ने समझा और हम लोगों को भी समझाया। विभीषण जी वंश परंपरा में देखा जाए तो उत्तम कुल पुलस्त्यकर नाती शिव विरंच पूजे बहुभांति। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, ये बात आप लोगों को विदित है सनातन धर्मावलंबी होने के नाते। श्री ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सर्वप्रथम सृष्टि में प्रकट होने वाले श्री सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार जी जो सनकादिक कुमार कहलाते हैं, उनके बाद ब्रह्मा जी के भ्रकुटी के मध्य भाग से प्रकट होने वाले भगवान रुद्र शंकर भगवान, उसके बाद ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प के अनुसार जो सृष्टि विस्तार का क्रम आया में ब्रह्मा जी ने अपने अंग अंग से संकल्प द्वारा दस पुत्र प्रकट किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। तो ब्रह्मा जी के इन दस पुत्रों में से एक श्री पुलस्त्य जी हैं और पुलस्त्य जी के पुत्र हैं महर्षि विश्रवा, कोई कोई विश्वश्रवा, कोई विश्वश्रवा कहते हैं, विश्रवा नाम है। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी दस पुत्रों में से एक, पुलस्त्य जी के पुत्र विश्रवा मुनि और विश्रवा मुनि की दो पत्नियां, एक का नाम इडविडा और एक का नाम कहीं कहीं केशिनी और कहीं कहीं कैकसी, ऐसा आता है कल्प भेद से दोनों नाम सार्थक। विश्रवा जी तो पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हैं, तो इनके हिसाब से देखा जाए तो ये एक ऋषि का वंश है, लेकिन आसुरी वंश वाले श्री हरे नमः एक बार चले जा रहे थे और अपनी बेटी इसके किसी को वैभव दिखाया इनका विश्रवा मुनि का, देखती हो कितने तेजस्वी ऋषि हैं। हाँ, और इनकी एक पत्नी और है जिसका नाम है इडविडा, इडविडा के गर्भ से एक बड़ा प्रतापी तेजस्वी धनाढ्य पुत्र है जिसका नाम है
कुबेर। इस कुबेर वाली बात को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन विश्रवा मुनि के कुबेर जी प्रमुख पुत्रों में से हैं और लंका पर पहले इन्हीं का अधिकार था। तो केकसी के पिता ने केकसी को ये कहकर के उभारा, क्या कुबेर के समान प्रतापी धनाढ्य गुणवान पुत्र तुम चाहती हो? अगर चाहती हो तो इस ऋषि को, विश्रवा को पति रूप में वरण करो, इनकी सेवा करो प्रेम से, और प्रसन्न हो जाए ये तो तुम्हें हो सकता है कुबेर से भी अधिक प्रतापी पुत्र की प्राप्ति हो। तो पिता के कहने से केकसी ने उस विश्रवा मुनि को वरण किया पति रूप में और उनकी सेवा करने लग गए, और श्री प्रभु कृपा से समय पा करके उसके गर्भ से रावण कुंभकर्णश्च तथान्यस्याम विभीषण श्री हरे नमः विभीषण नाम के रावण कुंभकर्ण और विभीषण और शूर्पणखा नाम की एक कन्या। शूर्पणखा का विवाह विद्युत जिह्व के साथ होए ऐसी शूर्पणखा की इच्छा थी, असुरी वृत्ति थी, रावण का प्रतिद्वंदी था। राक्षसों में भी कई कोटियां होती हैं, दैत्य अलग होते हैं जो दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, दानव अलग होते हैं जो धनु नाम की माँ से पैदा हुए हैं, राक्षस अलग होते हैं, लेकिन वृत्ति एक होने के कारण ये सब, जैसे कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, इस तरह से दैत्य दानव राक्षस इत्यादि ये सब आपस में कभी मिलजुल भी लेते हैं और कभी आपस में लड़ भी लेते हैं। तो विद्युत जिह से पटती नहीं थी रावण की। रावण ने विद्युत जिह को मार डाला। शूर्पणखा ने इस पर लांछन लगाया कि रे तू मेरा भाई है कि दुश्मन है? रे मैंने जिसको पति रूप में हृदय से वरण कर लिया था उसको तुमने मार डाला और तुमने मुझे विधवा बना डाला। तो कहा कि देख, संसार नाशवान है ही, और कब कहाँ क्या घटना किसके साथ घटेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। जो भई सो भई, मुझे क्षमा कर, अब मैं तेरी सार संहार किया करूँगा। तो ये शूर्पणखा उसी के बल पर अपने को बड़ी बलवती समझती थी। मुरसैया भय कोतवाल, हमें डर काहे का, यहाँ सैया सैया तो नहीं है, मुर भैया भय कोतवाल। इस प्रकार से पिता की दृष्टि से देखा जाए तो यह वंश ऋषि वंश है, माता की दृष्टि से देखा जाए तो ये निश्चर वंश। विभीषण जी ने इस बात को स्वीकार किया है शरणागति के समय में, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। विश्रवा मुनि को अगर स्मरण किया जाए कि उनका वंश है, कहा भी है मानस में, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव विरंच पूजे बहुभाति, नृप अभिमान मोह वश किंबा, हरि आनस सीता जगदम्बा। तो पिता की दृष्टि से देखा जाए तो ये निश्चर वंश नहीं है,
ये ऋषि वंश है, विप्र वंश है, ब्राह्मण वंश है, माता की दृष्टि से ये निशाचर वंश है। निशाचरों में वर्णन आया है कि निशाचरियों में यानी कौन सी क्षमता ब्रह्मा जी ने दे रखी है कि वे जितने दिन चाहें गर्भ को अपने भीतर ही धारण किए रह सकते हैं और जितना जल्दी चाहें उतनी जल्दी ही प्रसव करके और फिर आगे की प्रसव की बात सोच सकती हैं। और ये असुर लोग जन्म लेने के बाद तुरंत बहुत बड़े बढ़ चढ़ करके प्रतापी होकर के प्रकट होते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में इन लोगों का बहुत विशद वर्णन है। क्योंकि हम लोगों को संस्कृत का बोध कम रह गया है इसलिए वाल्मीकि रामायण को कम देख पाते हैं और वाल्मीकि रामायण की कथा भी कम हो पाती है। बहुत विस्तार से वर्णन है उत्तरकांड में, वाल्मीकि रामायण में। अस्तु। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ये एक पिता की संतान, एक पिता की संतान होने पर भी गोस्वामी जी के शब्दों में संस्कार में अंतर रहता है। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा, एक पिता के कई पुत्र हो तो सब एक ही तरह के होंगे ये कोई जरूरी नहीं है। उनके गुण शील इत्यादि में बहुत अंतर पड़ जाता है। कोई तापस, कोई पंडित ज्ञाता, को धनवंत सूर, को उदाता। तो यद्यपि एक पिता के ये पुत्र हैं लेकिन इनमें साप बस रावण और कुंभकर्ण तो आसुरी वृत्ति वाले हुए, राक्षसी विचारधारा, राक्षसी चेष्टा और राक्षसी लक्ष्य। राक्षसों में ये आसुरी और दैवी संपत्ति में क्या अंतर है कभी आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो थोड़ा निवेदन कर दूं। एक बार, ये उपनिषद की कथा है, एक बार असुरों में दैत्य, दानव, राक्षस इत्यादि सब आते हैं। सबों ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी की ही शिकायत की कि पितामह आप सारे संसार भर के दादा हैं, बाबा हैं, पितामह कहलाते हैं, सृष्टि के सभी प्राणी आपकी ही संतान हैं, आपको सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए, समान व्यवहार रखना चाहिए, लेकिन आप में विषमता का अनुभव कर रहे हैं हम लोग। क्या विषमता का अनुभव कर रहे हो? कहा कि देवताओं को आप बड़े प्यार की दृष्टि से देखते हो और हम असुरों को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये बात हम लोगों को बड़ी खटकती है। ब्रह्मा जी ने कबूल किया, स्वीकार किया। वत्स, क्या करूं? उनका स्वभाव, उनकी क्रियाएं मुझे बाध्य करती हैं जो उन्हें मैं स्नेह की दृष्टि से देखूं।
और तुम लोगों की भावनाएं और तुम लोगों की क्रियाएं और तुम लोगों का लक्ष्य भी मुझे बाध्य करता है, इसलिए मैं तुम्हें उतना प्यार की दृष्टि से नहीं देख पाता हूं। तुम लोगों के प्रति कभी कभी घृणा का भाव हो जाता है। बोले यही तो हम लोग साबित करना चाह रहे हैं कि आप में देवताओं के प्रति पक्षधरता है, हम लोगों की खिलाफत आप करते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। हम लोग भी आप ही की संतान हैं, कौन सा उनमें गुण ऐसा है जो आपको उनके प्रति प्रेम बरसाने को बाध्य करता है, हमने कौन सा ऐसा दोष है जिससे आप हमको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये सब कथाएं हम लोगों को अपने को समझने के लिए, जैसे अपने चेहरे में कहाँ चूना लगा है, कहाँ कालिख लगी है, हमारा तिलक सीधा है कि टेढ़ा है, देखने के लिए दर्पण होता है ना। ये चरित्र और ये कथाएं हम लोगों को अपने को समझने के लिए दर्पण का काम करती हैं। दर्पण तो बाहर के चेहरे को दिखाता है, आजकल बहुत सारी मशीनें निकल गई हैं जो हमारे भीतर की रिपोर्ट दे देती हैं, फेफड़े में कितना कफ जमा हुआ है, कहाँ अंतड़ी में घाव हो गया है, कहाँ हड्डी में दरार पड़ गई है। इसी तरह से ये चरित्र जो है और ये कथा भाग जो है हम लोगों को आत्मनिरीक्षण के लिए, हम बाहर से कितने सुंदर हैं या असुंदर हैं, इसी तरह से भीतर से हम कितने साफ सुथरे हैं या कितने गंदे हैं, हम में दोष भरे हैं या हम में अच्छाइयां भरी हैं, इनको समझने के लिए ये प्रसंग बहुत काम करते हैं, बहुत उपयोगी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मैं परीक्षा लेकर के और साबित करूंगा कि उनमें कुछ गुण हैं और तुम में कुछ दोष हैं, परीक्षा लेकर के साबित करूंगा। बोले करिए साबित, लेकिन जल्दी करिए। कहा कि अभी फैसला कर लेता हूं, तुम सभी देवता और सभी असुर आमंत्रित हो मेरे यहां और भोजन कराऊंगा, उत्तम से उत्तम व्यंजन। लोगों ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी परीक्षा हुई, खूब सुंदर सुंदर व्यंजन तैयार कराया ब्रह्मा जी ने। और पहले असुरों से कहा कि बेटे सभी जितने तुम असुर भाई हो, दो कतार में बैठ जाओ आमने सामने मुंह करके, और सबके सामने भोजन परोसा जाएगा, भोजन खा के दिखाओ। लेकिन भोजन उंगली से उठा करके मुंह में नहीं डालना है, तुम लोगों के हाथ में एक चम्मच बांध दूंगा, वो चम्मच का बेट बड़ा लंबा होगा, करछुल के बेट के जैसा, और दो जगह बंधा हुआ होगा, एक कोनी के नीचे और एक कोनी के ऊपर। तो दो जगह बंधा हुआ होने के कारण अब कोहनी तो मुड़ेगी नहीं, यही देखना है कि कैसे भोजन करते हो तुम लोग। दो कतार में बिठा दिए गए असुर लोग और सामने उनके भोजन की सामग्री रख दी गई, परोस के सोने चांदी के थाल कटोरे में उत्तम से उत्तम पदार्थ, जिसको देखकर और सूंघ करके जीभ से पानी टपकने लग जाए, और वही करछुल के बेट जैसा लंबा बेट वाला चम्मच बांध दिया गया, दो जगह बांध दिया गया, और कहा कि इसी चम्मच से भोजन करना है, करो। अब चम्मच
में सामने के थाल से व्यंजन उठावें तो रसगुल्ला उठावें, चाहे जो भी पदार्थ, अब हाथ मुड़े नहीं जो मुंह तक आवे, तब मुंह तक पहुंचाएंगे कैसे भोजन? तो कोई अब इनके द्वारा फेंका हुआ निशाना, पहले से अभ्यास रिहर्सल तो था नहीं, अब मुंह में जाने के बजाय किसी की आंख में टकराए, किसी के सिर से टकराए, नीचे गिर पड़े। और एक सीमित समय दिया गया था,